प्रदेश भर में लॉकडाउन के दौरान तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे में सामने आया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए शाहबाद थाना प्रभारी प्रतीक ने बताया कि अंबाला एसटीएफ को एक सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक ट्रक चला है जिसमें नशीला पदार्थ रखा गया है। उन्होंने इस सूचना के आधार पर नाकेबंदी करके ट्रक को काबू किया। इस दौरान ट्रक से 5 किलो अफीम बरामद की गई और ट्रक के चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी काबू किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों व्यक्ति मूल रूप से झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उनके 10 दिन का रिमांड लिया है। पुलिस ने बताया कि इस रिमांड के दौरान इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ ये लोग कहां से लेकर आए और कहां इनको इसको पहुंचाना था, उनकी भी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। गौरतलब है कि नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर प्रदेश के अंदर एसटीएफ और एंटी नारकोटिक सेल पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसके चलते लगातार कई आरोपियों को काबू किया जा चुका है। कल एसटीएफ अंबाला की टीम ने उनके पास इन्फॉर्मेशन आई थी और उनकी टीम ने एक ट्रक से, जो कि उड़ीसा से चला था ट्रक, एक ट्रक से उन्होंने 5 किलो अफीम बरामद की है और उसके बाद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन शाहबाद पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा की जा रही है और उसमें हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं अच्छी गहराई से और आज उनको कोर्ट में पेश किया दोनों एक्यूज्ड को। दोनों एक्यूज्ड बेसिकली झारखंड के रहने वाले हैं और आज कोर्ट में पेश करके उनका 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड के दौरान आगामी कार्रवाई और आगामी जो इन्वेस्टिगेशन के जो फैक्ट हैं उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।